हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल तरीके का ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये 3 अंडा लिया है मैंने, आप अगर ज़्यादा बनाओ तो ज़्यादा अंडा लेना। मैं इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास में अगर नहीं है इलेक्ट्रिक हीटर, मिक्सर जार है तो उसके अंदर में भी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल लिक्विड टाइप का बना लेना है इसे, इस तरह से ब्लेंड करके। चाहो तो ऐसे हाथ से भी कर सकते हो, हाथ वाला हीटर आता है उससे भी कर सकते हो या स्पून से भी कर सकते हो, लेकिन मिक्सर जार में या इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ करेंगे तो टाइम कम लगेगा और काम जल्दी हो जाएगा। तो इसे मैंने बिल्कुल लिक्विड टाइप से बना लिया है। ये ब्रेड लिया है और ग्लास लिया है, इस तरह से राउंड शेप में कट करेंगे। आपके पास में अगर कुकी का कटर हो बड़ा वाला, बड़े साइज़ का, तो उससे भी कट कर सकते हो। इस तरह से बस साइड को निकाल लेना है। तो जितना भी बनाना है मुझे, मैं इसी तरह से कट कर ले रही हूँ। ये ब्रेड का जो साइडर है इसको फेंकिए मत, स्टोर करके रख दीजिए, ब्रेड क्रम बनाने में काम आएगा। लिक्विड जो हमने बना करके रखा था उसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा करी का पत्ता डाल देंगे। इन सब चीज़ को मिक्स करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अच्छे से इसे मिक्स करना है। और एक पैन रख दिया है मैंने गैस के ऊपर में, हीट हो चुका है। इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहो तो बटर में भी बना सकते हो, घी में भी बना सकते हो। तो ये गर्म हो चुका है, इस तरह से डिप करेंगे ब्रेड के पीस को दोनों साइड से, किसी भी चिमटे से या हाथ से, जैसे भी हो आपको इजी, इस तरह से उठाएं और पैन के अंदर में डाल देंगे। गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम कर देना है, तो दो मिनट इसे पकाएंगे जब तक कि इसके कलर ना आ जाए। फ्लेम को बिल्कुल कम कर देना है। तो एक साइड से कलर आ गया है, आराम से इसे टर्न कर देंगे दूसरी साइड। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। बहुत ही ईजी है, बहुत आसान तरीके से बनता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे मैं निकाल ले रही हूँ। ऑयल भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कम ज़्यादा। तो इस तरह से मैं सभी को कर लूँगी। बहुत ही सिंपल तरीका है ये ब्रेकफास्ट बनाने का, कभी भी आप बना करके खा सकते हो, इवनिंग में भी, स्नैक्स में, चाय के साथ में ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। ट्राई करें इस आसान से रेसिपी को और इन्जॉय करें।